क्षीणे पूर्णिय मर्त्य लोकम विसंति भगवद गीता में श्री कृष्ण चंद्र का वचन है। पुण्य कर्मों के फल स्वरूप जो जीव स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। गीता का 14वां अध्याय। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाधो गच्छन्ति तामसाः। पुण्य के प्रभाव से जिन जीवों का उत्क्रमण गमन देहत्याग के पश्चात स्वर्ग में होता है, पुण्य का क्षय हो जाने पर और नवीन कर्म का फल भोगने के लिए अंतर्यामी का संकल्प प्राप्त हो जाने पर उन नवीन कर्मों के उदय के फलस्वरूप फिर जीव का पुनर्भव होता है, पुनर्जन्म होता है। कोई जीव मध्य लोक में होते हैं, कोई ऊर्ध्व लोक में होते हैं, कोई अधा लोक में होते हैं। पाप और पुण्य के फल स्वरूप जीव ऊपर से भी आता है, नीचे से भी आता है, बीच से भी आता है। उदाहरण के लिए राजा भरत, जिनके नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, मृग का ध्यान करने के कारण देहत्याग के पहले मृग का ध्यान हुआ, मृग हो गए, बाद में ब्राह्मण शरीर मिल गया जड़ भरत, नीचे से वो मनुष्य बन गए। ऐसे ही पहले राजर्षि भरत थे और बाद में वो मृग हो गए। तो इस मर्त्य लोक में भी मनुष्य से पशु, पशु से मनुष्य भी हो जाता है व्यक्ति, मनुष्य से देवता हो जाता है, देवता से फिर मनुष्य हो जाता है। कर्मों के अनुसार भूत प्रेत हो जाता है कोई, भूत प्रेत से फिर कोई मनुष्य भी हो जाता है। कर्मों के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर जीवों को प्राप्त होते रहते हैं। जब जीव अपने तात्विक स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है तो न कहीं जाता है न कहीं आता है, यहीं जैसे घटाकाश, घट मटका, घड़े के फूट जाने पर कहीं आता जाता नहीं, महाकाश होकर स्थित रहता है। उसी प्रकार से यह जीव भी तत्वज्ञान प्राप्त हो जाने पर न ऊपर जाता है, न मध्य में, न नीचे, ब्रह्म स्वरूप होकर स्थित रहता है। और कोई प्रश्न?